सलामु अलैकुम सामीन, 30 मुहर्रम अल-हराम है, 29 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है घरों में इज्तिमाई नमाज पढ़ने पर पाबंदी। उन्वान आपको अजीब सा लगेगा लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में यही कुछ हुआ है। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के थाना छजलेट के गांव दुल्हेपुर में एक मकान में इकट्ठी होकर नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 16 नामजद और 10 नामालूम यानी 26 लोगों ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये वीडियो 3 जून से पहले की बताई गई है। इत्तला के मुताबिक इस गांव में कोई मस्जिद या मदरसा नहीं है। हिंदू फरीक ने पुलिस से इस मतलब की शिकायत की थी कि लोग घरों में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ने की नई रिवायत कायम कर रहे हैं। दूसरी तरफ गांव के मुस्लिम समाज का कहना है कि 1980 से हम लोग घर में इकट्ठे होकर नमाज अदा कर रहे थे। हिंदू फरीक ने एतराज़ किया तो ये इज्तिमाई अमल छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले में आल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से पूछा है कि क्या अब घरों में नमाज पढ़ने के लिए भी सरकार और पुलिस से इजाज़त लेनी होगी। वाकई ये अजीब सा मामला है कि घरों में अगर 2-4, 10-20 आदमी इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ लें तो इसमें हर्ज क्या है।